हेलो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है। सुप्रीमम क्लासेस ने वेब पोर्टल पर वेब एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है। जैसे आप आईआईटी जैम के टाइम टेस्ट दोगे ना, उसी सेम फॉर्मेट में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। तो हम उसमें क्या क्या कराएंगे आपको बतला देते हैं। तो इसका नाम एक्चुअली मिशन 50 हमने रखा है कि इस जो टेस्ट सीरीज की ये जो जर्नी है ना, इसका नाम हमने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 क्या है, एक आप हमने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो, या लास्ट में यहाँ भी थोड़ा बहुत मैं बतला दूंगा ब्रीफली में। तो मैं पहले इस पर बतलाऊं कि हाँ, कि ये हमने सुप्रीमम क्लासेज ने वेब एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट स्टार्ट किया बिल्कुल जैम की तरह। और मैं आपको बतला दूं कि यह जो टेस्ट वाला सीजन है ना, ये आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक जो आपने सीखा है उसको एप्लीकेशन करके देखने की अब बारी आई है कि अभी तक आपने क्या सीखा है, आपके माइंड में कितने सारे पॉइंट्स है। नहीं होता है कि हमने 100 पॉइंट्स पढ़ लिए, ऐसा लगता है कि हमें सब आता है। जब टेस्ट के टाइम जाते हैं ना, जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो कुछ याद ही नहीं आता, या काफी कम पॉइंट्स याद आते हैं। तो यदि आपको यह 12 फरवरी के पहले पता चल जाए तो आप उसका कुछ सोल्यूशन निकालोगे ना। लेकिन आपको 12 फरवरी के दिन यह पता चलता है, यार मैंने तो पढ़ा सब कुछ था, मैंने मेहनत भी किया था, फिर भी मेरा कंसेप्ट हिट नहीं कर रहा था, क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और यह 99.99% स्टूडेंट के साथ यही होता, हमारे साथ भी जेई के टाइम पर हुआ था। तो हमने यह गलती जैम के टाइम पर नहीं किया। जब हमने जैम का प्रिपरेशन किया तो जितने भी गलतियां हमने जेई के टाइम पर किया था उसको सब कुछ मैंने फुलफिल किया और मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो गया। मैंने 2016 में जॉइन दिया था। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि यदि आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो और चाहते हो कि आपको आईआईटी मिले या आपका काफी अच्छा स्कोर आए 12 फरवरी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दो। जरूरी है कि मेरा ही दो, लेकिन एक्चुअली मैं करा रहा हूँ तो हमारी टीम करा दे। तो हम पिछले बार भी हमने काफी अच्छा मॉक टेस्ट कराया था, तो उस समय जो मॉक टेस्ट हुआ था वो गूगल फॉर्म पर हुआ था। उसके बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा रैंक लाया। एक का थर्ड रैंक आया, सेवेंथ रैंक आया, 13, 24, 37, 51, 68, 99, इस तरह से रैंक आए। और हमारे काफी स्टूडेंट्स आईआईटी, एनआईटी, बीएचयू, डीयू में है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो मॉक टेस्ट आपका प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको मैक्सिमम लड़का लाइटली लेता। तो भले आप मुझे ज्वाइन ना करो, लेकिन आप मॉक टेस्ट दो, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट जरूर दो। इससे आपका प्रिपरेशन बूस्टअप होता है और आप देख पाते हो कि हमारी प्रिपरेशन अभी कहां तक पहुंची है। अभी हम टेस्ट दे रहे हैं तो हम कितना मार्क्स ला पा रहे हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। नहीं होता है कि जब हम एग्जाम देकर के आते हैं, अरे यार मैंने 1+1 को 3 लिख दिया, मैंने क्वेश्चन में ट्रू पूछा था नॉट ट्रू सॉरी क्वेश्चन में पूछा था कि नॉट ट्रू कौन सा, हमने ट्रू टिक करके आ गया। फिल करना था 2.5, हमने 2.0 फिल करके आ गया। तो यह ऐसी आप छोटे छोटे गलतियां ना करो, उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी जो एक साल की जर्नी है ना वो बेकार हो जाएगी। यदि आपने कैसा भी प्रिपरेशन किया है और यदि यह 3 मंथ आप अच्छे से निकाल लेते हो विद टेस्ट डिस्कशन प्रैक्टिस सेट, तो आप बेशक ही 12 फरवरी को काफी बेहतर करके आओगे और एक अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। और अच्छा मार्क्स आएगा तो अच्छी रैंक भी आएगी, और अच्छी रैंक आएगी तो आपके मन के अकॉर्डिंग कॉलेज भी मिलेगा। तो मॉक टेस्ट सबको देना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और जो भी जैम को लेकर के सीरियस है उनको मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आपका 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे एमए स्टूडेंट के लिए, और सेम 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा एमएस स्टूडेंट के लिए। ये एमए मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स है, और एमएस मैथमेटिकल एनालिसिस है। यहाँ पर फुल लेंथ का मैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि फुल लेंथ का मतलब ये नहीं कि यूनिट वाइज में 60 क्वेश्चन, नहीं, फुल लेंथ 60 जो क्वेश्चंस होंगे फुल लेंथ में वो पूरे के पूरे सिलेबस से होंगे। यानी जैसे जैम क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम उसी का एक
क्राइटेरिया डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम हर टेस्ट में पूछेंगे, और जो हमारा टेस्ट का लेवल होगा बिल्कुल ही स्टैंडर्ड होगा, और इसमें एक भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो मॉक टेस्ट होगा ना, जो उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसकी एक्यूरेसी 100% रहेगी। कितना बच्चा टेस्ट देता है और उसमें गलतियां ही जा बहुत सारी होती है, तो उससे थोड़ा माइंड हिचपिच हो जाता है, थोड़ा एक हम अपने आप को अच्छे से जज नहीं कर पाते। तो इसमें क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ होंगे, क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड होगा, और पेपर में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक से मैंने 30 मार्क्स पूछ दिया, दूसरे टॉपिक से 3 मार्क्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आईआईटी जैम एग्जाम लेता है, जैसे आईआईटी जैम पेपर सेट करते आया है, हम भी बिल्कुल उसी तरह से पेपर सेट करेंगे, क्योंकि हम भी आईआईटी से, संतोष सर भी आईआईटी से, साक्षी मैम भी आईआईटी से, तो जो क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं ना, तो वो उसी लेवल का जाता है, ठीक है ना। हम उस फेज से निकल के आए हैं ना, उस जर्नी को कर सफर करके यहाँ तक पहुंचे, तो हमें हर चीज का आइडिया है कि आईआईटी कैसे क्या करता है, क्या पूछता है, ठीक है। तो उससे आपका एक स्टैंडर्ड बनेगा टेस्ट को लेकर के, एक माइंडसेट बनेगा, आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओगे, टाइम को मैनेज कर पाओगे, और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर पाओगे थ्रू मॉक टेस्ट। तो फुल लेंथ इस तरह से आपका 20 फुल लेंथ टेस्ट होगा, और इसके साथ हर टेस्ट का लाइव डिस्कशन होगा। देखो लाइव डिस्कशन बहुत जरूरी है। लाइव डिस्कशन में क्या होता है ना, कि जब आप ज्वाइन करते हो तो आप कॉन्सेप्ट्स को हमारे मुंह से सुनते हो, या आपस में बातें होती है, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा शार्प होता है। सोल्यूशन तो आप कहीं से ले लोगे, किसी को भी भेज दोगे। आजकल हजार तरह के रिसोर्सेज सोल्यूशन के लिए, आप टेलीग्राम में, चूंकि नए क्वेश्चन है तो गूगल पर तो मिलेगा नहीं, तो आपको कहाँ मिलेगा, आप टेलीग्राम पर भेज दो, कोई सोल्व करके दे देगा, व्हाट्सएप पर भेज दो, व्हाट्सएप ग्रुप है, या अपने फ्रेंड्स को भेज दो, या टीचर को भेज दो, तो कोई ना कोई आपको सोल्व करके दे देगा। लेकिन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए वहां जाओगे 12 फरवरी को, उस टाइम आपका क्या माइंडसेट होगा, या मॉक टेस्ट के थ्रू जब अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें बहुत सारी गलतियां किया, या बहुत सारे पॉइंट को आपने कंसीडर ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे, अगले टेस्ट में उस पॉइंट्स को कंसीडर करोगे, उसमें भी बहुत कुछ छूटेगा, फिर थर्ड टेस्ट में अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करोगे, जो आपने गलतियां किया था सेकेंड टेस्ट में वो थर्ड में कम करोगे, फिर फोर्थ में आप गलतियां कम करोगे जो आपने थर्ड में किया था। तो ऐसे करते करते आपका 20 टेस्ट में क्या हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको केवल 12 फरवरी को फोड़ के आना। यदि आप अपना इतना ऑनेस्टी से कर लेते हो तो ये बहुत है, इतना कम नहीं है। इसके साथ हम क्लास की टाइमिंग बतला दो। क्लास की टाइमिंग रात में 9 PM to 12 PM रेगुलर है। तो हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन के साथ साथ आपका आपको गाइडेंस भी करते हैं, मीन्स आपको गाइडेंस भी देंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करो, कैसे आप मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो, एंड एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। तो ये था, और मैं आपको एक बार दिखला दूं अपने वेबसाइट पर जाकर के कि आप टेस्ट कहां से और कैसे दे सकते हो। एक मिनट, तो ये मेरा सुप्रीमम का वो है, आप सर्च करोगे सुप्रीमम क्लासेस, तो ये इस टाइप से आएगा गूगल पर, और जब आप इस पर टिक करोगे तो टिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो क्लिक हियर फॉर आईआईटी जैम मॉक टेस्ट, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ हमने मॉक टेस्ट का पूरा डिटेल्स दे रखा, आप देख सकते हैं कि किस तारीख को आपका टेस्ट होगा, फुल एंड टेस्ट 1, फुल एंड टेस्ट 2, फुल एंड टेस्ट 3, इसका डेट भी है। तो जैसे जैसे टेस्ट हम अपडेट करते जाएंगे उस दिन को ये लाइव हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, और क्लिक करते ही यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने एडमिशन ले रखा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ टेस्ट पोर्टल पर चले जाओगे, और वहां से आपने टेस्ट सेलेक्ट करके आप टेस्ट दे सकते हो।
तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो। तो ये है, तो ये मैंने अपना डाल रखा है। इसके अलावा यदि आप न्यू स्टूडेंट हो और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, लॉगिन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक गूगल फॉर्म आएगा, आप इसको फिलअप कर देना। फिलअप करने के जस्ट बाद ही विदिन 30 मिनट आपसे टीम कांटेक्ट करेगी। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा मैं आपको बतला दूं कि ये हमारा पिछले बार का अचीवमेंट है, ये जैन 2022 में हमारे यहाँ से रैंक आया था। श्रुति का 3rd रैंक आया था जो अभी आईआईटी बॉम्बे में है। मयूरी का 7th रैंक आया था जो ये भी आईआईटी बॉम्बे में है। और ये देवेश सीता है जिसका जैम में 13 रैंक आया था और इसका ISIB क्रैक हुआ है। अभी ये ISI से पढ़ाई कर रही है। इसको आईआईटी बॉम्बे मिला था, कानपुर भी मिला था, बट ये गई नहीं। इसको चूंकि बंगाल से है तो बंगाल मीन्स का मीन्स ISI को काफी लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। तो अभी ISI में। तो इतना था। इसके अलावा मैं आपको बतला दूं कि इतना तो आपको मिलेगा ही, ठीक है, इतना तो श्योर है। इसके अलावा हम 25 यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे। इसके अलावा जो वो बीच में गैप में बतलाया ना, 3 to 4 days का गैप है, उस गैप में आपका रेगुलर टेस्ट होता रहेगा। यानी आपका टेस्ट नॉन स्टॉप होगा, हर एक दिन बीट लगा करके टेस्ट है। हर एक दिन बीट लगा, जैसे आज भी टेस्ट है और कल गायब है, परसों टेस्ट है, तरसों गायब है, उसके अगले दिन टेस्ट है। यानी हर अल्टरनेट में टेस्ट है, एक दिन गैप करके हर रोज टेस्ट है। तो जब आप वो इतना टेस्ट दोगे ना, तो कंसेप्ट कहाँ से रहेगा, मीन्स क्या रह जाएगा आपके लिए, कुछ भी नहीं बचेगा। आप सब कुछ कवर कर लोगे। और टेस्ट देने के बाद आप हर पेपर को ऑनेस्टी से एक बार रीसॉल्व कर रहे हो, तब तो कुछ कहना ही नहीं, तब तो सोने पर सुहागा है, तब तो आप ऐसे ही फोड़ करके आ जाओगे। तो ये है। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बतला दूं और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमने मिशन 50 में एक्सप्लेन किया है, यह मिशन 50 का ही पार्ट है। इसके अलावा मैं क्या बतला रहा था, हाँ, जो भी यह डिस्कशन क्लास होगा ना, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा। जो आपका लाइव कोई मान लो कि ज्वाइन नहीं कर पाया किसी रीजन से या नहीं करना चाहता है, यह ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। यदि आपको इन फ्यूचर लग रहा है कि यार मुझे क्लास करना चाहिए था, ये तो मिस हो गया, तो उससे घबराने की बात नहीं है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लो, भले ही मुझे ना ज्वाइन करो, लेकिन आप मॉक टेस्ट दो। मैं चाहता हूं कि मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मुझे पता है कि मॉक टेस्ट प्रिपरेशन का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि जो जैन निकाला है उनको पता है कि शायद हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया रहा था तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है, और वैसा मॉक टेस्ट दो जो जैन के इक्विवेलेंट ले रहा है, वैसा मॉक टेस्ट दो जिनका मॉक टेस्ट की एक्यूरेसी 100% है। वैसे आईआईटी भी गलती करता है, लेकिन फिर भी हमें मेंटेन रखना है, ठीक है, वो चीज है। वैसा मॉक टेस्ट दो जिसमें क्वेश्चंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि उनका मींस एक टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा रख दिया, एक टॉपिक का वेटेज काफी कम रख दिया, नहीं, हर टॉपिक्स का वेटेज सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए। वैसा मॉक टेस्ट दो जहां से आप अपना परफॉर्मेंस देख सको कि हम किस पोजीशन पर खड़े हैं। जैसे आप टेस्ट दोगे ना, तो आपका रैंक भी दिखेगा कि आपने क्या रैंक अचीव किया, किस क्वेश्चंस में कहां आपने गलती किया, मिस किस क्वेश्चन में आपने गलती किया, कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, कितना टोटल मार्क्स आया, यानी सब कुछ आपको सबमिट के जस्ट बाद ही दिखेगा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कितने बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, हाँ बाबू, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। यदि आपका बार बार यहाँ पर, जैसे आपने एक बार टेस्ट दे दिया, अब टेस्ट देने के बाद आप उसको रिवीजन करने का आपका मन है, तो आप रिवीजन भी कर सकते हो। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा और भी क्वायरीज है बच्चों की कि क्या सर हम टेस्ट कभी भी दे सकते हैं? हाँ बाबू, आप टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। यह टेस्ट आपका जिस दिन लॉन्च हुआ, जो मैं डेट मेंशन किया हूं, उस दिन से लेकर के 12 फरवरी तक टेस्ट एक्टिव रहेगा। यानी इसके बीच में आप टेस्ट कभी भी दे सकते हो, ये पोर्टल कभी बंद नहीं होगा।
और आप जब बोलोगे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यदि मान लो कि आज आप मैंने टेस्ट लिया लेकिन आज आप किसी रीजन से नहीं दे पाए, आप 5 डेज के बाद दे रहे हो, तो 5 डेज के बाद आपने टेस्ट दिया तो उसका उस समय मींस जितना अभी तक टेस्ट बच्चे दे चुके हैं ना सबको कंसिडर करते हुए आपका रैंक आएगा। ऐसा नहीं कि उस दिन का आएगा, अभी तक जितने दे चुके हैं उसमें आपका रैंक आएगा कि आपने क्या रैंक अचीव किया। इसके अलावा आपको डिस्कशन की जरूरत है कि यार ये क्वेश्चन का कोई गाइड कर दे कैसे होगा, तो हमने बोला ना कि रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। तो यही था, और साथ में हमने बताया कि 25 फुल लेंथ टेस्ट होगा, सॉरी 25 यूनिट वाइज इसके अलावा टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर का टेस्ट होगा और उसका डिस्कशन होगा, और ये आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। और कितने में? केवल और केवल 3000 में। फिर ये हमारी फी है मॉक टेस्ट के, ये एमए और एमएस का 3K 3K है, एंड एमए प्लस एमएस के लिए 35,000 है। तो बस इतना ही था। यदि किसी को और भी एक्सटर्नल क्वेरी चाहिए, यदि उनको लग रहा है कि हाँ सर ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया, तो यदि आपको पूछना है तो आप मुझे कॉल करके 9525772741 पर कभी भी कॉल या व्हाट्सएप करके आप मेरे से क्वेरी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद।